गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद कैलाश। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर से आपके बीच हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे एसडीआई के बारे में, जानेंगे एसडीआई क्या होती है, ये कितनी खतरनाक है हमारे मेंबर्स के लिए, इसको कैसे चेक करें और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एसडीआई का फुल फॉर्म, तो आइए। दोस्तों एसडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स। सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स को दोस्तों हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा गाद घनत्व सूचकांक। दोस्तों गाद घनत्व सूचकांक से ये समझ सकते हैं हम, जो गाद है, जो गाद का मतलब जो मिट्टी, जो कीचड़ है, जो पानी के अंदर जो गाद है। अब ये नहीं कि पानी है उसमें गाद ही गाद दिख रही है, पानी धुंधला दिख रहा, नहीं। पानी दोस्तों विजिबल हो सकता है, विजिबल दिख सकता है, मतलब क्लियर दिख सकता है, पानी जो है क्लियर हो सकता है। उसके अंदर भी जो दोस्तों जो गाद होती है उसको जो मेजर हम करते हैं, कितनी उसका जो घनत्व है वो किस रेट पे है, उसी को मेजर करने के लिए दोस्तों जो है एसडीआई जो मेथड है वो यूज की जाती है। क्योंकि अगर ये उसके अंदर जो लिमिट है हमारी एसडीआई की वो दोस्तों वो होती है पांच होती है, मतलब लेस देन फाइव होनी चाहिए लिमिट फॉर एसडीआई। इट शुड बी कितना होना चाहिए दोस्तों, लेस देन फाइव। इट शुड बी लेस देन फाइव। तो दोस्तों अगर ये मोर देन फाइव होती है तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है, जो ये गाद है पानी के अंदर, जो ये सिल्ट है वो जो है दोस्तों फॉलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और हमारी मेम्ब्रेन फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जब मेम्ब्रेन फॉलिंग होती है दोस्तों उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको तभी रिकवर कर सकते हैं जब हम अपनी एसडीआई को कंट्रोल में कर सकें, अदरवाइज क्या होगा, हमारे मेम्ब्रेन जब फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फॉलिंग उनमें हो जाती है तो वो अगर टाइम पे अगर उनकी सीआईपी नहीं होती तो वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, उनका फ्लो बहुत डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है हम एसडीएम जो है मेथड का यूज करते हैं कि जो गाद घनत्व सूचकांक है उसके अंदर कि जो गाद जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जो फॉलिंग पार्टिकल्स हैं, उनका जो घनत्व है उसको एस्टिमेट करने की जो मेथड यूज किया जाता है दोस्तों वो एसडीआई मेथड होता है। और एसडीआई की जो लिमिट है वो है लेस देन फाइव फॉर आरओ फील्ड। अगर आरओ फील्ड में दोस्तों हमारा लेस देन मोर देन फाइव आता है तो हमें बिल्कुल ही आरओ नहीं चलाना चाहिए, पहले एसडीआई को कंट्रोल में करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसको कैसे चेक करते हैं, एसडीआई को कैसे चेक करें, तो वो मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। दोस्तों अगर हमारा रिसाइकल वाटर प्लांट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें जो है वीकली में, हफ्ते में जो है दो या तीन बार एसडीआई चेक करनी है। और हमें लगता नहीं कि यार पानी बहुत खराब आ रहा है तो हमें डेली भी जो है एसडीआई हम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर रॉ वाटर है उसमें क्या होता है, बहुत रेयर केस में हमारी एसडीआई बहुत ज्यादा मिलती है, अदरवाइज जो है वो लिमिट में रहती है, लेकिन फिर भी वहां पे भी हमें जो है एसडीआई चेक करते रहना चाहिए। तो इसका जो प्रोसेस है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा रॉ वाटर टैंक है दोस्तों, जहां से हमारा आरओ के लिए फीड जाएगा, जहां से हमारा गया रॉ वाटर पंप। ये रॉ वाटर पंप है दोस्तों जो आगे पानी भेजेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इस तरह से रहता है कार्टेज फिल्टर या माइक्रोन फिल्टर, ये हमारा कार्टेज फिल्टर होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा आएगा हाई प्रेशर पंप और उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा आरओ जो है आरओ मैनेजर होंगे। लेकिन ये तो दोस्तों जो मैंने डायग्राम बता रहा हूँ ये मैक्सिमम रिसाइकल वाटर में ऐसा मिलता है, क्योंकि जो हमारा एमजीए बेसिक होता है वो इससे पहले ही लगे होते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी जो इससे पहले ही लगा होता है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा जो है आरओ वाटर है, फ्रेश वाटर है रॉ वाटर है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं आरओ से, उसमें इस तरह से नहीं रहेगा। उसमें सबसे पहले एमजीएफ एसीएफ, उसके बाद हमारा कार्टेज फिल्टर, हाई प्रेशर पंप और इस तरह से रहता है दोस्तों। ये जो मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैक्सिमम आपको रिसाइकल वाटर में ऐसा मिलता है, क्योंकि रिसाइकल वाटर में क्या होता है ईटीपी का आउटलेट
जो है वो एमजीएम में आता है, उसके बाद एसीएफ में जाता है, एसीएफ के बाद बैक फिल्टर वगैरह, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद वो टैंक में आता है, उसके बाद रॉ वाटर पंप होता है, सॉरी फीड वाटर आरओ फीड पंप होता है, इसको हम आरओ फीड पंप भी बोल सकते हैं, रॉ वाटर पंप भी बोल सकते हैं, आरओ फीड, और ये हमारा फ्रेश वाटर का है तो इसको हम रॉ वाटर बोल सकते हैं, रॉ वाटर पंप। तो ये आरओ फीड वाटर पंप है दोस्तों। उसके बाद हमारा कार्टेज फिल्टर इसमें रहेगा, कार्टेज फिल्टर रहेगा या माइक्रोन फिल्टर रह सकता है। जो दोस्तों एसडीआई चेक होती है उसके लिए हमको 2 kg प्रेशर मेंटेन करना होता है। 2 kg के लिए दोस्तों हाई प्रेशर के बाद प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसको जो हम करते हैं चेक वो हाई प्रेशर से पहले और कार्टेज फिल्टर के बाद करते हैं, क्योंकि कार्टेज फिल्टर तक भी जो है गंदगी जो है वो रुकती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट देगा होना चाहिए, हमारे पास पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जो हम अपनी किट लगाते हैं, यहाँ पे एक वाल होगी, इस तरह से हमारे पास जो है अरेंजमेंट होना चाहिए एसडीआई चेक करने के लिए। जो किट आएगी दोस्तों हमारी वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, इस तरह से एसडीआई किट रह सकती है, हो सकती है हमारे पास, क्योंकि अलग अलग मॉडल में अलग अलग टाइप में किट आती है। सपोज इस तरह की किट है हमारे पास, और तो दोस्तों ये किट जो है दोस्तों इसमें लग जाएगी, ये एक एसडीआई किट हमने बनाई है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रेशर गेज के लिए एक प्रेशर गेज यहाँ पे लगा होगा, जहाँ पे जो है 2 kg स्क्वायर का प्रेशर हमें जो है मेंटेन करना है जब हम एसडीआई चेक करते हैं। तो दोस्तों ये किट इस तरह से है हमारी, और अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, जब भी एसडीआई चेक करनी है सबसे पहले एसडीआई किट को प्रॉपरली हमने वॉश करना है दोस्तों। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, हम निकल लेंगे 500 ml हमने जो है इसको फिल करना है पानी से जब इसको हम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, जब हम ये स्टार्ट करते हैं, ये 500 ml का सैंपल लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये कितने सेकंड में भरा ये हमें जो है नोट करना होता है, हमें स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। हमने क्या करना है, स्टॉप वॉच हाथ में लेना है, एसडीआई पेपर लगाने के लिए यहाँ पे इजीली ये किट जो है दोस्तों खुल जाती है, यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज हम इसको घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स होती हैं तो ये खुल जाएगी। इसमें एसडीआई पेपर लगा के ओरिंग लगा के इसको प्रॉपरली हम टाइट करना है, और जो पेपर साइज होता है वो होता है 0.45 माइक्रोन का। जब वो लग जाएगा दोस्तों हम क्या करेंगे, फीड पंप चलाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे 2 kg प्रेशर हमको सपोज मिल रहा है, तो हमें और ज्यादा इसको प्रेशर करना 2.5-3 kg तक ले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये वाली वाल हम धीरे से इसको खोलेंगे, और जैसे खोलेंगे तो पानी इसमें पहले फिलअप होगा, फिलअप होते ही ये यहाँ पे एक एयर वेंट रहेगा, ये एयर निकलते ही ये प्रेशराइज हो जाएगी और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। दोस्तों जब 2 kg प्रेशर आ जाए, 2 kg प्रेशर आते ही जब हमारा पानी इसमें आएगा, सैंपल नीचे आएगा, तो हमने टीमल लेना है, टाइमल लेना है, अपने स्टॉप वॉच को जो है ऑन करना है और ये सैंपल लेना चालू करना है, और ये हमने जो है इसको 5 सेकंड तक भरना है। सपोज हमारा T1 आ गया 45 सेकंड, मतलब पहला सैंपल जो हमारा 5 सेकंड का भरा है वो भरा है 45 सेकंड में। अब दोस्तों क्या करना है, हमने इसको एज इट इसको हम इसको हटा देंगे, व्हीकल को हटा देंगे और इसको ऐसे ही चलने देंगे नेक्स्ट 15 मिनट तक, क्योंकि जो इसका प्रोसीजर है वो ये कहता है कि इसको अगले 15 मिनट तक हमें इसको ड्रेन इस पेपर के जो एसडीआई पेपर इसके माध्यम से इसको गुजारना है, क्योंकि हमें जो है T2 चाहिए होता है, T2 हमें 15 मिनट के बाद ये दोस्तों लेना है। 15 मिनट के बाद दोस्तों जैसे हमने देखा 15 मिनट हो गए, अब हमने क्या स्टॉप वॉच ऑन करी, बीकर को खाली किया, खाली करने के बाद इसमें दोबारा हमने सैंपल लेना चालू करना है और T2। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे जैसे पेपर चोक होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमने इस वाल से कंट्रोल करना है, 2 kg पे ही इसको 15 मिनट तक चलाना है। अब हमने 15 मिनट अगर स्टॉप वॉच ऑन किया, इसमें पानी हमने जो पानी ऑलरेडी इसमें आ रहा होगा वो फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे ही 500 ml दोस्तों हमारा भर गया है, ये हमारा सपोज ये भर गया 90 सेकंड्स में, अब हमारे पास दोस्तों T1 और T2 आ गए, मतलब जो हमें चाहिए था T1 और T2, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी, इसके बिना हम एसडीआई चेक नहीं कर सकते। अब हमारे पास T1 और T2 आ गया दोस्तों, अब हम इसको जो है इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है हम कैसे इसको निकालते हैं। तो दोस्तों एसडीआई चेक करने का जो फॉर्मूला है वो है T2 - T1 /
t2 अपॉन टाइम इंटू 100। दोस्तों टाइम जो 15 मिनट का जो टाइम है ड्रेन टाइम, वो टाइम यहाँ पे आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा t2। दोस्तों हमारा है 90 सेकेंड, हमारा t2 था, और t1 हमारा 45 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। दोस्तों इस तरह से ये इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 45 90 minus 45 45 into 100 15 9 1 35 0 6 5 10 5 10 5 5 10 5 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
दोस्तों जो हमारी एच डी आई वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, इतनी आ रही है 3.33। अगर हमारा टाइम वन जो है दोस्तों वो 45 और टाइम टू इतना है तो उस कंडीशन में जो एच डी आई निकल के आ रही है वो आ रही है 3.35। जो एच डी आई दोस्तों जो कितनी है हमारी 3.33। दोस्तों ये हमारी जो है लिमिट में है, इसका मतलब हमारी मेम्ब्रेन को जो है फॉल्डिंग होने का खतरा कम है, बहुत कम है, 1% भी हम कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि एस डी आई जो है वो फॉल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर एस डी आई हमारी दोस्तों ज्यादा आ रही है, 5 से ज्यादा आ रही है, तो जैसे हम उसमें फीड करते हैं 1-2 दिन या हफ्ते के अंदर ही वो जो है बहुत ज्यादा शोक हो जाती है। लेकिन अगर एस डी आई कम लिमिट में है, 1 या 2 साल 3 साल भी हम देखते हैं, तो हम जो है फॉलिंग की वजह से हमारी मेम्ब्रेन जो है कभी चोक नहीं होती, वो स्केलिंग की वजह से उसमें चोकिंग आ सकती है लेकिन फॉलिंग की वजह से चोकिंग नहीं होती है। तो दोस्तों एस डी आई जो है वो बहुत खतरनाक होती है मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि ये फॉलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसी की वजह से मेम्ब्रेन में जो है फॉलिंग होना स्टार्ट होता है। और जब फॉलिंग स्टार्ट होती है दोस्तों, जब फॉलिंग मेम्ब्रेन फॉलिंग हो जाती है मेम्ब्रेन पे, तो अगर टाइम पे हम सी आई पी नहीं कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन जो है फटना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही मतलब ऐसे फट जाती है कि विश्वास नहीं होता कि मेम्ब्रेन ऐसे फट सकती है अंदर एस डी आई की वजह से या फॉलिंग की वजह से। तो दोस्तों एस डी आई कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें शेयर और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। दोस्तों आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, अभी जो है जो फॉलिंग और जो स्केलिंग है हमारी, जो सी आई पी प्रोसीजर है आरओ का, उसके ऊपर बनाऊं। तो दोस्तों जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को दोस्तों कर दें शेयर, लाइक कमेंट शेयर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।